हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 32 लेकर आए हैं। तो आज आपका एक नया चैप्टर धातु और एवं अधातु स्टार्ट हो रहा है और यह 16/9/2020 के लिए वर्कशीट है। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझते हैं। तत्वों को उनके गुणों धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व को क्या किया जाता है, जो एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको धातु अधातु में कैटेगराइज किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं आयरन, एल्युमिनियम, चांदी और कॉपर। अधातु के कुछ उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। तो आइए इसे एक एक करके समझ रहे हैं और इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी अटैच कर रखा है, तो फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे। लेकिन आई होप आप पहले भी इसको दिस समझिए। धातु और अधातु के क्या क्या गुण हैं, तो आप धातु देखिए, धातु में चमक होती है, चमकदार होती है। अधातु चमकीली नहीं होती है, कठोरता होती है धातु, जबकि अधातु अधिकतर कठोर नहीं होती है। जैसे कार्बन अपवाद में है, सिर्फ कठोर है, जबकि धातुएं जो है ना सोडियम पोटासियम मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। रूप क्या है धातु के, धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, अपवाद में मरकरी हो, ठीक है, जबकि द्रव में मरकरी द्रव में पाई जाती है। और अधातुएं जो है ना, अधातु ठोस या गैसीय रूप में, अपवाद में ब्रोमीन तरल रूप में पाई जाती है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है, अर्थात इसको पतली चादर के रूप में नहीं किया जा सकता। तन्यता, तन्यता धातु को पतली तार में बांधा खींचा जा सकता है, जबकि अधातुओं को नहीं किया जा सकता। और विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं धातुएं। सामान्यतः धातु विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात जिसमें विद्युत करंट फॉलो करे, ठीक है दोस्तों। एवं जैसे इसका अपवाद है जो सीसा में नहीं होता, मरकरी में नहीं होता, ठीक है, प्लम्बम इसको कहते हैं, पीबी है ये चीज, हाइड्रोगायरम, ठीक है, इसका जो नेम है लैटिन नेम है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद अधातु, सामान्यतः अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है अपवाद में, जैसे ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट कुचालक नहीं, जैसे कि आपको पेंसिल में जो ग्रेफाइट है, जिस पेंसिल से आप लिखते हैं उसमें करंट फॉलो होता है, बट वो अधातु है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपको समझना क्या है, ये पहले देख लेते। धातु विद्युत की सुचालक होती है, कैसे होते हैं, जैसे जैसे करंट होते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, फॉलो करता है। तो जैसे आप करंट फॉलो होता है, वैसे ही क्या होता है, विद्युत भी फॉलो करती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखना वायु के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के, धातु ऑक्साइड बनाते, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाते, जैसे उदाहरण के लिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो ये सारे जो है ना दोस्तों, क्या होते हैं, धातुएं जो है ना हमेशा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। और धातु और जैसे सोडियम और पोटासियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिससे रोकने के लिए हम इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी यानी प्लम्बम वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का पायरा पराऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और सिल्वर यानी चांदी और ऑरम यानी गोल्ड, जिसको आप जो है ना गोल्ड और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है दोस्तों, देखिए धातु किस किस के साथ अभिक्रिया करती है, धातु जिंक के साथ, फेरस के साथ, एल्युमिनियम के साथ, केवल भाप के साथ क्रियाशील है, जबकि ठंडे जल के साथ जैसे सोडियम पोटासियम कैल्शियम इसके साथ भी है, गर्म जल के साथ क्रियाशील है मैग्नीशियम, धातु है मैग्नीशियम धातु और गर्म जल के साथ क्रियाशील है, जैसे पोटासियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। तो देखिए सोडियम और वाटर,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर ऊष्मा हो देता है। मैग्नीशियम प्लस वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एल्युमिनियम प्लस वाटर के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है दोस्तों, तो जल के साथ अभिक्रिया इन धातु का होने पर क्या होता है? तो जल प्लस के साथ होगा तो धातु प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, धातु ऑक्साइड और प्लस धातु ऑक्साइड प्लस जल, तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें जो है ना उभयधर्मी क्या है, उभयधर्मी आपके क्वेश्चन के आंसर से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर दर्म होती है। आघात वर्धने तथा तन्य का अर्थ बताइए। और सोडियम को एवं पोटासियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको मेल के लिए मैंने आंसर लिख दिया। देखिए, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, तो मरकरी जिसको HG कहते हैं, या फिर उसको हिंदी में पारा कहते हैं, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता तथा तन्य में अंतर। आघात वर्धनीयता कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्यता का अर्थ क्या होता है? धातु को पतली तार में खींचा जा सकता है। तन्यता का अर्थ क्या होता है? धातु को पतली तार में खींचा जा सकता है। थर्ड है दोस्तों, सोडियम एवं पोटासियम को केरोसिन के अंदर संग्रहित करके क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटासियम, सोडियम को Na लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, पोटासियम को K लिखते हैं। ठीक है, तो सोडियम और पोटासियम धातु अधिक क्रियाशील है। अगर इसे खुला रखा जाए तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करता है और तुरंत आग पकड़ लेती है और जलना शुरू कर देता है। इस विस्फोट प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं? सोडियम व पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना दोस्तों, फिफ्थ क्या है ये, क्या फोर्थ था, थर्ड है ये क्वेश्चन आपका जो है ना दोस्तों, फोर्थ है ये क्वेश्चन नंबर, क्या है ये, फोर्थ है, नॉट फिफ्थ, ये फोर्थ है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो आइए देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल तथा क्षार, ठीक है दोस्तों, अम्ल किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। ठीक है, लवण और जल उत्पन्न करते हैं, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जिंक तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम और HCl, ये क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये एल्युमिनियम डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। उसके बाद Al2O3 को अगर करेंगे तो NaOH प्लस NaAlO2 और प्लस वाटर बनता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना आपको का ये क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर धातु और अधातु 32 ख़त्म हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।